आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। राजधानी लखनऊ के नगराम निवासी प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार वर्मा उर्फ राज की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने दो हत्यारोपी दोस्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसकी जानकारी एसपी यमुना प्रसाद ने पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। लखनऊ के नागाराम निवासी प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार उर्फ राज का शव बीते 12 अक्टूबर को जिले के बदोसराय थाना क्षेत्र के कसरैला डीह गांव में स्थित झाड़ियों से बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त कर पिता की तहरीर पर लखनापुर थाना कोठी निवासी संजय वर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद ग्राम लखनापुर थाना कोठी निवासी रामप्रसाद को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करने की बात कही है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी यमुना प्रसाद ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार संजय वर्मा ने यह बताया है कि 7-8 महीने पहले राजकुमार ने संजय से 10 लाख रुपए की कीमत की 11 बीघा जमीन दोनों की सहमति से खरीदी थी। उसी के सिलसिले में दोनों के बीच विवाद चल रहा था कि एक साल बाद बेची हुई जमीन को 20 लाख रुपए देकर वह दोबारा वापस ले लेगा। घटना के एक दिन पहले मृतक राजकुमार अपने साथी विभव के साथ संजय वर्मा से मिली, तो उस दिन मृतक और उसके साथी को संजय इधर उधर घुमाता रहा और अगले दिन पैसे देने के लिए कहा। राजकुमार ने संजय पर रुपए के लिए दबाव बनाया तो संजय ने रुपए दरियाबाद में देने के लिए कहा और मृतक राजकुमार संजय वर्मा रिंकू और दिलीप रावत को कार में बिठा कर चल दिए और मृतक राजकुमार को बाइक से राम प्रसाद के साथ भेजा गया और कहा कि इसको ठिकाने लगा दें। कार को इसी बीच बदसराय के कसरैलाडीह गांव के पास लेकर पहुंचे और वहां पर कार में बैठे राजकुमार की गर्दन को प्लास्टिक की रस्सी से कस दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। इधर रामप्रसाद ने मृतक के बाइक के कलपुर्जे अलग अलग नदियों में फेंक दिए, जिससे रामप्रसाद की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद करने की बात कही है। इसी में मृतक राजकुमार को और रिंकू और दिलीप रावत और संजय वर्मा, ये सब जो रिंकू मारुति जैन लेके आया था वो गाड़ी में बैठा लिए और ये लोग लेकर के दरियाबाद की तरफ गए। वहां पे करसैली डीह के पास में प्लास्टिक की रस्सी से इसका गला घोट करके हत्या कर दी गई और हत्या करके वहीं लाश छुपा दी गई। उसके बाद जो रामप्रसाद था उसको मोटरसाइकिल दे दिया इन लोगों ने कि ले जाके इसको ठिकाने लगा दो, तो उसने उसके कलपुर्जे तोड़ ताड़ के अलग करके उसको रारी नदी में डाल दिया, वो कलपुर्जे भी बरामद हुई है। वहीं इस घटना में संलिप्त दिलीप और रिंकू फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बाराबांकी से सत्येंद्र वर्मा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।